नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल टॉप कॉफी मशीन। बेसिकली ये मशीन है 2+1 फ्लेवर की है, ग्रेविटी फीड है और मेड बाय जेलमेटिक। यहाँ पे आएंगे हम लोग, देखेंगे किस प्रकार से मशीन डिज़ाइन की हुई है। थोड़ा मैं मशीन का आपको इंटरनली बताऊँगा। इसके अंदर एक टेकोमसा ब्रांड का हर्मेटिक कंप्रेसर लगा हुआ है और दो मोटर है। दो मोटर का मतलब ये हो गया कि जो दो टैंक है वो टैंक को इंडिविजुअल कंट्रोल है। साथ ही साथ में हॉपर के अंदर एक स्पेशल स्टरर है, उसके लिए इंडिविजुअल मोटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो एक्चुअली कंडेंसर है, एक टोटली कॉपर ट्यूब का बना हुआ है। मतलब ये एल्यूमिनियम कंडेंसर नहीं है, कॉपर होने को जैसे मतलब हाई एफिशिएंसी के लिए है। कि किस प्रकार रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, 1, 2, 3, 4 सॉलिड वॉल का मतलब यह है कि दो टैंक और दो सिलेंडर, चारों को इंडिविजुअल रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल किया जाता है। ये आप ये देख सकते हैं, मेड इन जर्मनी का बेल्ट भी लगा हुआ है, हॉपर के लिए है। और आप देख सकते हैं बीटर मोटर को दो मोटर दिया हुआ है इंडिविजुअल ऑपरेटिंग के लिए। कंडेंसर भी मेड बाय द कॉपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉपर के अंदर एक ग्रेविटी फीड होने की वजह से यहाँ पे पंप नहीं है, तो नेचुरल वे की वे से जो भी एयर इनकॉर्पोरेट होता है होता है। साथ ही साथ में हॉपर के अंदर एक हम लोगों को ऑटोमेटिक मिक्सर दिया गया है, जो बेसिकली टाइम टू टाइम ऑन होता है, जिससे क्या होता है कि टैंक का जो मिक्स है वो उसका विस्कोसिटी प्रॉपर मेंटेन रहता है। ये अपने आप में एक बेहतर मशीन है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन कितना फास्ट निकल रहा है और कंसिस्टेंसी भी काफ़ी बेहतर है।